নমস্কার, আমি পূজা। আপনারা দেখছেন খবর আসানসোল, স্পন্সর বাই মিডওয়েস্ট হসপিটাল অ্যান্ড মেডিকেল ইনস্টিটিউট। মিডওয়েস্ট হসপিটাল অ্যান্ড মেডিকেল ইনস্টিটিউট, মন্নত এন্টারপ্রাইজ, মন্নত এন্টারপ্রাইজ, হামজা কালেকশন, হামজা কালেকশন, সুপ্রিম গার্মেন্টস, রূপ সুপ্রিম গার্মেন্টস, অ্যান্ড গ্লোবাল ওয়ালপেপার, গ্লোবাল ওয়ালপেপার। গ্র্যান্ড আসানসোল প্রিমিয়ার লিগে সিজন ওয়ানের আশাতীত সাফল্যের পরই আজ থেকে শুরু হলো গ্র্যান্ড আসানসোল প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় সিজন। T10 ফরম্যাটের নকআউট এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে স্টার রেলওয়ের লোকো স্টেডিয়ামে। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ খেলা হয় সানি সুপার কিংস ও নেতাজি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মধ্যে। গ্র্যান্ড আসানসোল প্রিমিয়ার লিগের অর্গানাইজার নন্দু যাদব জানান, লোকো স্টেডিয়ামে কর্তৃপক্ষের কাছে তারা সর্বদাই সহযোগিতা পেয়ে এসেছেন, যাতে তারা আসানসোলকে একটা ভালো ক্রিকেটের পরিবেশ উপহার দিতে পারেন। सीनियर DFM ईस्टर्न रेलवे मिस्टर सरोज कुमार सर के लिए गेंदबाजी की हमारे बीच विकेट देकर के भी हम उनका स्वागत करेंगे। एक और सीनियर बेहतरीन क्रिकेटर, बेहतरीन फुटबॉलर, जी हाँ, ईस्टर्न रेलवे के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। फुटबॉल में कोचिंग भी करते हैं, फुटबॉल में गोलकीपिंग भी करते हैं। प्रजस गेंदबाज, धन्यवाद। और अब मुझे भी बैच पहनाया जाएगा, नंदू से मैं अनुरोध करूँगा मुझे भी बैच पहना दिया जाए। जरूर कुछ नुकसान हो सकता था। लोकेशन के बाहर थी, के गेंद की थी वाइट बॉल का इशारा एम्पायर भैरव दास द्वारा। युवा है सामना और ग्रैंड आसनसोल प्रीमियर लीग अपने आप में एक ब्रांड इसलिए भी बन गया है कि अगले साल इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, उसके बाद भी बहुत टूर्नामेंट हुए और बहुत युवा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से उभर के सामने आए। बहुत ही खूबसूरत शॉट, चार रनों के लिए ऑप्शन के बाद। मुझे जानकारी हुआ है कि ये प्रीमियर लीग जो है सो सीजन टू है और 12 टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और न्यू फॉर्मेट है, बिल्कुल कह सकते हैं कि ये T10 है और इसमें जो है सो आपको चौके छक्के काफ़ी देखने को मिलेगा, काफ़ी इंजॉय करेंगे लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि युवा जो है सो इसमें जो उनका टैलेंट है उसका भी हार्नेसिंग होगा और रेलवे अथॉरिटी जो है सो ये ग्राउंड जो है सो लोको स्टेडियम सारे सभी लोगों के लिए ओपन करके रखी हुई है, तो इन्होंने एप्लीकेशन दिया और इनका एप्लीकेशन अप्रूव किया गया और ना केवल रेलवे के टैलेंट को जो है सो रेलवे स्टेडियम या DSA हार्नेसिंग करती है बल्कि जो अदर देन रेलवे यहाँ के लोकलिटी हैं या बाहर के हैं आसनसोल के, उन सभी लोगों को फैसिलिटेट करने का कोशिश कर रहा है और उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टाइम में ये ग्राउंड और बेहतर देखेंगे और बेहतर फैसिलिटेट करेगी। थैंक यू। जानते हैं कि पिछले साल ग्रैंड आसनसोल प्रीमियर लीग सीजन 1 हुआ था जो कि ईस्टर्न रेलवे के लोको स्टेडियम में स्टार्ट हुआ था और ये हमारा सेकेंड ईयर है जिसमें हमारे सीनियर DFM सर सरोज सर का बहुत बड़ा योगदान है ये ग्राउंड को मतलब बेहतर बनाने में, एक अच्छी मतलब क्रिकेट हो सके आसनसोल में, तो हम सर का आभार व्यक्त करते हैं। और जितने भी हमारे 12 फ्रेंचाइजी जो है ओनर हैं जिसने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, हमको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और मतलब एक अच्छा क्रिकेट का माहौल देने का हम कोशिश कर रहे हैं आसनसोल में। आज पहला मैच किसका? जी आज पहला मैच सनी सुपर किंग वर्सेस नेताजी फ्रेंड्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी का। आपका नाम? जी मेरा नाम नंदू यादव,
ग्रैंड आसनसोल प्रीमियर लीग का मतलब हेड। कल आईन और पूर्त मंत्री मले घटक के जन्मदिन तर आत्मयन साथे तर अनुगामीरा शहर विभिन्न जगह बेस धूमधाम सहकारे पालन करलें। आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलवालिया नेतृत्व आसनसोल बसस्टैंडे और तृणमूल नेता साहिद परवेजर नेतृत्व राहालिने अवस्थित तृणमूल पार्टी भवने पालन है मंत्री मले घटक के जन्मदिन। देख पुरो रिपोर्ट। दादा जुग जुग जियो दादा। अरे तो केक खाओ केक खाओ केक खाओ। हाँ खाओ चलो तुम दो। ये तो किसे ही काट काट के देते हो ना। बता जो भी काट के दे रहे हैं। हमारा नेता तुम्हारा नेता मौलाए घटक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता तुम्हारा नेता मौलाए घटक जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आसनसोल का भूमि पुत्र मौलाए घटक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्नयन का कंडारी मौलाए घटक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाए घटक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए शुरू हो गया। आइए आइए। आसनसोल का भूमिपुत्र मजदूर नेता जनगण का नेता आसनसोल का उन्नयन का जो माने कंडारी है और आसनसोल की जनता का प्रिय नेता वो माननीय मौलाए घटक जी का आज हम लोग के सबके दादा का आज जन्मदिन है। हम लोग उनकी हजारों साल लंबी उम्र की कामना करते हैं। आज हमारे जितने परिवहन मजदूर हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग जो है आज मौलाइदा का लंबी उम्र के लिए हम लोग यहाँ पर सारे मजदूर मिलके जो है आज यही कामना किए हैं कि हमारा नेता जिस तरह से लोगों के स्वार्थ में लोगों की मदद करता हमेशा और आसनसोल को सुंदर तरीके से सजाने का जो उन्होंने 2011 में जो शपथ लिया था वो आज वो लगातार चारों तरफ आप देखेंगे आसनसोल शिल्पांचल में उन्नयन की ओर जो है पूरी हवा बह रही है और उन्नयन हर तरफ आप देख रहे हैं। उन्नयन ही नहीं उन्नयन है। तो आज हम लोग का वर्कर का बहुत खुशी है। हम लोग चाहते हैं हमारा नेता की लंबी उम्र हो और हमारा नेता इस तरह से लोगों की जनता की सेवा करता रहे और जो है हर लोगों को जो है सुख दुख में वो साथ में हमेशा रहते हैं चाहे वो लॉकडाउन का समय हो चाहे किसी तरह का भी समय हो। जिस तरह से मौलाइदा ने लॉकडाउन के समय में लोगों को घर घर जाकर मदद पहुँचाई थी लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला उनको मदद की थी और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा नेता हम लोग का जिंदगी भर हम लोग के साथ रहे और आसनसोल का इस तरह से उन्नति होते रहे यही हम लोग चाहते हैं। Thank you.
Happy birthday to you. बर्थडे है श्री मलय खटक जी का, इसके उपलक्ष में आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनकी खुशी मना रहे हैं? देखिए, जन्मदिन तो दादा का 66वां साल खत्म हो चुका है। 1956 में दादा की मैंने बर्थडे था 15 नवंबर को। आज दादा का 67वां सफर स्टार्ट हुआ जिंदगी का, और हम लोग आज तमाम लोग दिल से दादा के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से दादा ने सेक्रीफाइस कर दिया हम सबके सर जमीन में जो राजनीति किया है, वो हम सब वो तमाम लोग इनके राजनीतिक जीवन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मुरादा के खामोश तबीयत के इंसान हैं, जो करते हैं उसके बारे में वो डंका भी नहीं बैठते, लेकिन कुछ लोग कुछ नहीं करके भी बड़े बड़े डंका बैठता है। आज हम लोग का गर्व है कि हमारे साहब अहम सोल से मुरादा काफ़ी सेक्रीफाइस के बाद एक कमांडिंग पिछले 2011 से अहम सोल एक MLA के हिसाब से नुमाइंदगी हमारे मगरी बंगाल के स्टेट में कर रहे हैं, और साथ ही साथ पिछले 2011 से जो पहले बार MLA बने, मैंने जो हमारे तृणमूल कांग्रेस की सरकार हमें खत्म जो MLA बने उस वक्त अब तक हमारे राज्य के मंत्री भी हैं, और वो अपने मंत्री का जो जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से पूरे बंगाल में अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, और दीदी को उन पर बहुत विश्वास है, और हम तमाम अहम जो लोग के तमाम तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अहम सोल को तमाम लोग के मुरादा से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके लिए आज हम लोग दुआ करते हैं कि मुरादा का जितने भी दुश्मन उनके साथ उनके राजनीतिक जीवन में उनको उठा पटक करके जो तकलीफ पहुँचाया है वो मुंह के बल ऑलरेडी गिर चुके हैं, और उम्मीद है कि आने दिनों में मुरादा डे ब डे जिस तरीके से राजनीतिक जीवन अपने आप को सेक्रीफाइस किया वो तरक्की के बुलंदी के आसमान की तरफ बढ़े, यही हम लोग तमाम तृणमूल कांग्रेस का जो तृणमूल भवन नया तृणमूल भवन में बैठकर हम लोग उनके लिए दुआ करेंगे कि मुरादा हमेशा खुश रहे, वो अपने जीवन में हमेशा उनका सुख शांति रहे, और हमारे अहम सोच शहर के लिए जो काम करने का एक दिन में इरादा रखे हैं बड़े बड़े जो अहम सोच तरक्की कर रहा है वो तरक्की करते रहे, और मुरादा के नेतृत्व में भी हम लोग अपने अपना जो राजनीतिक जीवन है उस जीवन में हम लोग भी मुरादा का साथ में रहकर अपने राजनीतिक जीवन में आम जनता को खुशियाँ पहुँचाएँ, और दीदी का जो आशीर्वाद है हम तमाम तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता और लोगों का माई माध्यमान उसकी सरकार जो दीदी की सरकार जो जिसके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं उस आज हम लोग मुरादा का जन्मदिन के मौके पर हम एक बार मुरादा को फिर धन्यवाद देते हैं। রাজ্যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারকে মানসিক সুস্থতা কামনা করে পোস্টকার্ড পাঠাচ্ছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন, তার আগে শাসক ও বিরোধী দলের বেলাগাম মন্তব্যে ক্রমশ তেতে উঠেছে রাজ্য ও রাজনীতি। এর মাঝে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারকে মানসিকভাবে অসুস্থ একখা দিয়ে চিকিৎসার দাবি তুলছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। একই সঙ্গে বিরোধী নেতা সুস্থতা কামনা করে রাজ্যের বিভিন্ন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ থেকে বিরোধী নেতাকে পাঠানো হচ্ছে পোস্টকার্ড। আর সেই ধারাকে অব্যাহত রেখে আসানসোল বিবি কলেজের ছাত্র পরিষদের তরফে ডাকঘর মারফত তার মানসিকভাবে সুস্থ হওয়ার শুভেচ্ছা বার্তা পাঠানো হয়। বিরোধী দলনেতার বিভিন্ন মন্তব্যকে সামনে রেখে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিকে প্রচারে নামছে তৃণমূল। আজকে
আজকে আমরা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীরা একত্রিত হয়েছি এই বিবি কলেজের পোস্ট অফিসের সামনে। আমরা জানতে পেরেছি যে শুভেন্দু অধিকারী আমাদের রাজ্যের লোডশেডিং বিরোধী দলনেতা, তিনি লোডশেডিং এ জিতে এমএলএ হয়েছেন। তিনি আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আমাদের যুবরাজ অভিষেক ব্যানার্জির ফোবিয়ায় ভুগছেন। তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি আমরা। আমরা যেহেতু তৃণমূল ছাত্র পরিষদ করি, আমরা কোনোদিন কারোর ক্ষতি চাই না, তাই শুভেন্দু অধিকারী যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন তার সেজন্য আমরা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাচ্ছি এবং তার আরোগ্য কামনার জন্য আমরা এই চিঠি এই পোস্ট অফিসে পোস্ট করব এবং তার বাড়িতে এই চিঠি আমরা পাঠাবো। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बनपुर कालाझरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर, नावाघंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फोर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250259567। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और सूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100 बेडेड आईपीडी यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, आईसीयू, एनआईसीयू, एचडीयू, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस विद फास्ट, फ्रेंडली, एक्यूरेट एंड अ हायर लेवल ऑफ केयर फॉर यू। हमारा पता है भगत सिंह मोड, आसनसोल, 7133304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कॉर्पेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर,
जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर ना करें, आज ही आए। ग्लोबल वॉलपेपर होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। हाँ भाई, ऑब्वियसली ठीक है। आज हम देखिए, हम अचानक बाहर थे दो दिन पहले थे, फिर हमको अचानक खबर में, हम उस दिन वीडियो न्यूज़ में दिए, प्रेस मीडिया में दिए थे हम उस दिन। देने के बाद क्या हुआ, मेरे पास फ़ोन आया कि आप ये सब मत कीजिए। तो क्या करना, देखिए हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है ना, हमको पब्लिक के लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। नेता मंत्री बिजनेसमैन इन लोगों का बात बाद में आएगा, तो हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनका मेरा कुछ कर्तव्य होता है कि इनके फैमिली तो के साथ ये 2 लाख रुपए जो की तरफ से था, इसके लिए आपको केस करना होगा, ये आपको केस करना होगा ADPC में, आप केस कीजिए। अच्छा, जब आपका FIR हो जाएगा, शायद यही होता है ना, FIR होने से 2 लाख रुपए मिलता है, और इंश्योरेंस कंपनी जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुई है उसकी इंश्योरेंस की कंपनी इनको पैसा देगी, मैंने उनके फैमिली को पैसा देगी जो उनका नॉमिनी रहेगा, तो ऐसे करके इनको मिलेगा बहुत सारा। मैंने जो भी है, देखिए इंसान अब जान तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन जो भी रीजनेबल हेल्प होगा वो इन तक पहुंचाया जाएगा। अब बहुत सारा बात का आप लोगों को खबर नहीं होगा, लेकिन हम लोग हैं ना, गाइड कर देंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। मेरा आने का मकसद ये था कि आज चाची से मिल लें, आप लोग से मिल लें थोड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली ये घटना तो दुखद है, सही बात, ठीक है ना। इससे पहले भी 2 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ चित्रा के पास में, सेम यही कंपनी, सेम यही इंसिडेंट। तो ये लोग, मैंने हम देखिए यहाँ पे आज राजनीति का बात नहीं करने आए, ठीक है, आप दुख में हैं, हम आपके साथ यहाँ खड़े होने आए हैं, और मसला यहाँ पे यही है कि सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार या उनके परिवार का मसला नहीं, आने वाला जो 10 परिवार है उसके लिए सोच के करना होगा ना। आज इनके परिवार के साथ हुआ, 2 तारीख को 2 परिवार के साथ हुआ, कल दिन किसी और के साथ होगा तो फिर क्या होगा। बालू बंद करने के लिए हमें नहीं, बालू बंद हो, बालू एकदम बंद होना चाहिए, ये ड्रेसिंग के नाम पे लोग तो गुंडागर्दी कर रहे हैं यार, सब तरफ से लूटपाट मचा के रखे हैं ये लोग, क्या गड्ढा करेंगे भाई, लोगों को आप एक्सीडेंट करके मार रहे हैं, उससे बेहतर है ना कि आप बाढ़ आने दीजिए, बह के मर जाएगा, देख लेगा वो अपना किस्मत से जिएगा मरेगा। मेरा एक तो कार्ड, फुकरू भाई बोनेट में कार्ड होगा मेरा अंदर में, मेरा कार्ड आपको हम देके जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आप हमको फोन कर सकते हैं कभी भी, कोई भी हेल्प हो, मेडिकल प्रॉब्लम, कानूनी कार्रवाई या कहीं पे भी कोई दिक्कत आए, आप हमको फोन कीजिएगा। ऐसे बड़ा बाबू से ही मेरा बात हुआ है, शायद आज आप लोग को पैसा देने का बात है, वो भी हमको बोले हैं, देखिए पैसा अगर दे देता है तो ठीक है, नहीं तो ना फिर चलेंगे साउथ थाना, बैठा जाएगा साउथ थाना के पास में, क्योंकि देखिए ADPC से इनको पैसा दिलाना जो 2 लाख रुपये बनता है वो इनका हक है, मिलना ही चाहिए इनको। मैंने केस हुआ ही नहीं है क्या अभी तक? नहीं अभी केस तो नहीं हुआ सर, हम लोग को ये बात टेबल पे ही नेगोशिएट कर लिया गया कि आपको इतने पैसे दे दे रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा, केस के लिए आज बोला है, केस कीजिए, केस अगर करेंगे ना मेरे भाई, आज शाम को लिए वकील किया गया है, वो वकील बोला केस के लिए बुलाया, क्लेम के लिए वो बोला गया, नहीं 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 केस के लिए भी बोला, केस जब तक नहीं करेंगे ना आप तब तक आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, और अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, ये हमारा नंबर है दीदी, इसको आप रखिए, ठीक है, आप हमको कभी भी फोन कीजिए, एनी टाइम आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। थाना, पुलिस, कहीं पे भी कोई मसला हो, मैं बोलना नहीं चाहिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर पारिवारिक भी आप लोग कुछ समस्या आए, कोई भी कुछ हेल्प लगे तो मैं हूँ, ठीक है। काम क्रिया में भी कोई प्रॉब्लम आए, एकदम है आपका भाई आपके साथ, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। पर को सुबह सुबह हुआ, भोर में, भाई लोग जल्दी जल्दी उठा के सब लेके चलेगा, पुलिस आकर के डेट वोट लेके चला गया, हम लोग कंफर्म भी नहीं हुआ। सोमवार की सुबह में बहुत दुखद घटना हुई थी हमारे ये 3 नंबर घुसी कोलवरी में आपका गरीबन धाड़ी जी के साथ, जो वाकई में निंदनीय है, इसका सीधा सीधा जिम्मेदार मैं राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को, आसनसोल में बैठे मंत्री मलय घटक जी को, और पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को देता हूँ, क्योंकि इनके लिए लोगों के जान से ज़्यादा कीमती
इनके लिए लोगों के जान से ज़्यादा कीमती इनका ड्रेसिंग का बिजनेस हो गया है। ये रीच नाम की कोई कंपनी है यहाँ पे। इन्होंने 2 तारीख को यही सेम एक्सीडेंट चित्रा मोड़ के पास भी किया था। यही सेम एक्सीडेंट इन्होंने सोमवार को सुबह गरीबन धाड़ी जी के साथ भी किया डामरा में। अब आप मुझे बताएं, आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं इन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, बार बार ऐसे घटना को क्यों आप लोग अंजाम दे रहे हैं। कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालिए ताकि इलाके में लोग आराम से चल सके, शांतिपूर्वक चल सके, और शांतिपूर्वक चलने के साथ साथ लोगों की जान की कीमत बहुत है। हमें ये चीज़ अपने मेंटालिटी में रखकर इस चीज़ को सोचना होगा, उसके बाद आप बिजनेस कीजिए, क्योंकि सरकार, पुलिस, प्रशासन सब कोई इन्हीं पब्लिक के टैक्स से चलती है। कोई अपने बाप के घर से पैसा नहीं देता है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। जब पैसा किसी के बाप का नहीं है, पब्लिक का है, तो पब्लिक का सुविधा भी पब्लिक को मिलना चाहिए। और मैं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से और एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब तक ये बालू निकलने का कोई तीसरा रास्ता नहीं निकलता है, तब तक बालू पश्चिम बर्धमान में बंद रहेगा। अगर ये बालू निकलता है तो इसका जिम्मेदार, अगर कोई घटना होता है फिर से, तो इसके जिम्मेदार पब्लिक होंगे। और उस पब्लिक के बिहाफ में ये बात मैं बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को कुछ होगा, मेरे लोगों को कुछ होगा, तो इसकी जिम्मेदार सीधा सीधी ADPC और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आसनसोल में बैठे मंत्री मलय घटक होंगे। धन्यवाद। সভাপতি দেবনারায়ণ দাস থেকে শুরু করে ভাই নির্মল থেকে শুরু করে প্রকাশ দা থেকে শুরু করে সকলকে জানায় ভাই সন্দীপ গোড়ায় ছাত্র নেতা সকলকে জানায় জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন। এই শহীদ সুকুমারের বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্মরণ সভা কিছুক্ষণ আগে দেবরাজ বলে গেল, এই বল্লভপুর লাল সন্ত্রাস ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, আমরা দেখেছি এই বল্লভপুর এলাকায় বিরোধী দলের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আমরা শহীদ সুকুমারের মাল্যদান করে তো দূরের কথা, এখানে এসে দু চারজনের গল্প করারও কথা ছিল না বন্ধু। কিন্তু আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি 2011 সালে মামাটি মানুষ সরকার আসার পর থেকে, পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে, বদলা দেওয়ার অধিকার না নিয়ে, বদল করার অধিকার নিয়ে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্ব, মমতা ব্যানার্জির কথা শুনে আজ সুষ্ঠুভাবে সমস্ত প্রোগ্রাম, বিশেষ করে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির থেকে শুরু করে সাম্প্রদায়িক দল BJP, আজকে গ্রামগঞ্জে, আজকে বল্লভপুর পেপার মিলে, শ্রমিক সংগঠনে তারা উঁচুভাবে লড়াই করে চলেছে। বন্ধু, একটা কথা মনে রাখতে হবে, শ্রমিকদের যে ন্যায্য দাবি, শ্রমিকদের যে লড়াই, শ্রমিকদের যে অধিকার, এই লড়াইকে আমাদের শহীদ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আত্মত্যাগ, তার যে বলিদান। আজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে এই সময় এই চ্যানেলে। ততক্ষণ দেখতে থাকুন ও চোখ রাখুন খবর আসানসোল। নমস্কার।